जो सवाल है ये जो इस फार्मूला पे आप लोग का बनेगा, जैसे होता है ना, जैसे x पे पावर m गुना x पे पावर m, तो क्या हो जाता है, दोनों जुड़ जाता है ऊपर वाला, x पे पावर प्लस m प्लस n हो जाता है। फिर एक फार्मूला आपका होता है x पे पावर m है ना डिवाइड x पे पावर n, तो ये क्या हो जाता है आपका, दोनों घट के हो जाएगा x पे पावर m माइनस n। फिर एक फार्मूला होता है आपका एक्स पे पावर एम इंटू पावर एन दे देते हैं, तो क्या होता है एक्स पावर एम गुना एक्स पावर एन। फिर एक फार्मूला आपका होता है, अगर कोई जीरो रहता है इसका मान वन। ये चारों फार्मूला को याद कीजिएगा, इसी आधारित पे यह सवाल है। जैसे देख लीजिए आप, अभी थोड़ा बताया एक्स पावर एम रहता है गुना एक्स पावर एन एम रहता है गुना एक्स पावर एन रहता है, तो क्या हो जाता है एम प्लस एन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 243 है, उस पर दिया गया है आपका 0.16, फिर दिया गया है आपका 243 है, और उसके ऊपर पे दिया गया है आपका 0.04 दिया गया है। तभी आपको बताया एक्स पावर एम रहेगा एक्स पावर एन रहेगा, तो दोनों जुड़ के क्या जाएगा एम प्लस एन हो जाएगा। तो देखिए 243 है ही, अब दोनों जुड़ जाएगा 0.16 प्लस 0.04, तो जब आप इसको जोड़िएगा तो देखिए 0.16 0.04 देखिए आपका आ जाता है 20 है ना। अगर आप इसको लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं आप इसको कि पॉइंट उठाइएगा 1 और 00 है ना, तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, मतलब 1 और 5 आप लिख सकते हैं। तो देखिए आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 243 इस पे आ जाएगा 0.20/100 हो जाएगा, पॉइंट उठाइएगा तो 1/5 हो गया। अब 243 को आप तोड़िएगा, देखिए 3 पे पावर 5 लिखिएगा, जैसे देखिए 243 एकदम बेस से बता रहे हैं, जैसे 243 तोड़ेंगे 3 8 24 3 1 3 3 2 3 7 21 3 9 27 और 3 3 9 1 2 3 4 5 तो हो गया। तो अब क्या कीजिए, 3/5 और ऊपर में आपका 1/5 है, ऐसा बताया गया ना एक्स पर एम पावर एन, तो 1/5 देखिए आपका 5 5 कट गया, 3 पावर 1 = 3, यह आपका आंसर हो गया बी। उसी प्रकार आपका एक किसी टाइप का एकदम सेम वही फार्मूला पे बनेगा। अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि दोनों को जोड़ देना है। जैसे देखिए 256 है, 256 पे पावर आपका दिया गया 0.16, फिर दिया गया है 256 पे आपका दिया गया है 0.09, तो आपको क्या करना है, यहाँ 256 लिखना ही है और दोनों को जोड़ देना है 0.16 + 0.09। तो ये आपका जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 256 पे पावर हो जाएगा 16 9 25, 0.25 पॉइंट उड़ाइएगा 100 हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौके 100, मतलब जब आप 256 को भी तोड़िएगा क्या होगा, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, देख सकते हैं हम 256 को भी तोड़ के देख सकते हैं। जैसे 256 आप इसको 4 से लगाइए भाग, 4 चौके 24 4 चौके 16, फिर 4 से 4 कम 4 4 चौके 24 4 चौके 16, मतलब 4 पे पावर 4 है ही और ऊपर में है आपका 1/4। तो अभी आपको फार्मूला बताया था कि अगर फार्मूला आपका एक्स पावर एम रहे उसके ऊपर में एन रहे तो हो जाता है एम गुना एन, तो ये देखिए एम हो गया एन हो गया, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, 4 पे पावर 4 गुना 1/4, तो आप इसको इसको कटा सकते हैं, 4 पावर 1 का मान 4 हो गया आपका ई डी नंबर ऑप्शन। इस प्रकार ये सवाल ख़त्म।